अभी देखो मैटर सॉल्व हो गया है, अगर दोबारा रोकता है तो देखो मेरे साइड से तुम्हें लड़ना पड़ेगा भाई। अगर कुछ करेगा तो मैं फोन कर लूंगा तुम्हें। अगर ज्यादा पंगे लेगा तो भाई फिर तो अब क्या दिक्कत हो गई। अभी बिंदु ने सबको शॉर्ट आउट करवा दिया ना हमारा दोनों का। जब मैटर सॉल्व हो गया तो वो क्यों आ रहा है फिर से? पंगे मत कर यार, तू बकचोदी कर रहा है। देख तरुण बुला दो गंबू का फोन करके। तुम दोनों का मैटर है, मुझे क्यों रोक रहा है भाई? हम दोनों का मैटर तो शॉर्ट आउट हो गया ना। भाई मेरा पाला गरम हो रखा है भयंकर। देखो बिंदु भाई अभी देखो मैटर सॉल्व हो गया है, अगर दोबारा रोकता है तो देखो मेरे साइड से तुम्हें लड़ना पड़ेगा भाई। अबे यार मैंने मना किया भाई। मना तो नहीं किया, देखो अगली बार अगर कुछ बकचोदी होगी तो तुझे झेलना पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ भयंकर, क्योंकि मुझे पता है ना जैसे उसके हाव भाव थे भाई। देख सामने तो बात हुई थी, खुद ही सॉरी बोला उसने। अब मैंने उससे खुद बोला कि मैंने कहा भाई अगली बार बकचोदी करेगा तो तुझे झेलना पड़ेगा भाई। सही बात है भाई, वो तो हो गई भाई। अभी सामने वो कर रहा तो फिर अलग जाके बकचोदी थोड़ना करेगा। तो वही तो भयंकर, तुम्हें अलग जाके घेर लेगा फिर अगली बार से थोड़ना उसे बचा लेंगे। चलो अगर रोकेगा तो मैं, अगर कुछ करेगा तो मैं फोन कर दूंगा तुम्हें। संपर्क वॉर वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर ठीक हो गया वहाँ तक तो नतीजा ही नहीं पहुँचता। चलो तो कहीं अभी आप लोगों ने देखा तरुण ने अभी फिलहाल तो सॉरी वॉरी बोल दिया है कि अब नहीं करूँगा आगे से, अभी हमारा कोई मैटर नहीं है, सब मैटर सॉल्व कर दिया अभी बिंदु ने। और मुझे लगता तो नहीं है कि आगे नहीं करेगा वो ऐसा कुछ, क्योंकि भाई उसके जैसे हाव भाव थे ना लग रहा था कि आगे कुछ जरूर पंगे लेगा भाई। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि भाई अब पंगे नहीं लेगा, फाइनली मैटर सॉल्व हो गया भाई। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि ज्यादा पंगे हों और ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो, मेरे को इन सबसे दूर रहने में ही अच्छा लगता है। अभी चलते हैं घर पे, हैंड बिंदु को भी बाय बोलते हैं। बिंदु का रह गया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, क्योंकि भाई बिंदु के समझाने से वैसे समझ तो गया है अच्छे से, सॉरी भी बोल ही दिया था उसने। अभी फिलहाल पहले घर चलते हैं, घर पे जाने के बाद अपना डेली ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लोगों ने मेरा मेन चैनल नहीं देखा है स्त्री के राजपूत तो जाके एक बार चेकआउट कर लो। अगर आप लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो वहाँ पे मैं डेली ब्लॉग करता हूँ, अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड डेट्स देता रहता हूँ, तो वहाँ जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि भाई देखो यहाँ मोटो ब्लॉगिंग पे तो हम लोग हद से हद 2-3 घंटे ही रहते हैं, उसमें से भी 10 मिनट का आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनली भाई ये मैटर भी सॉल्व हो ही गया, अभी टाइम से इस मैटर को सॉल्व करने के चक्कर में था मैं, उससे फालतू के पंगे ले ही नहीं रहा था, खुद ही पंगे ले रहा था। आप लोग देख रहे होंगे पिछले ब्लॉग्स से खुद ही पंगे ले रहा भाई, क्या बताऊं मैं, बिना फालतू के पंगे। अब तो बिंदु ने भी बोल दिया अगर ज्यादा पंगे लेगा आगे तो भाई अब पेल देना है। अपने ईगल गैंग अपने साथ ही है, चल ब्लॉग बनाए रिलेटेड इसने कुछ बोला लेकिन अब मेरे को पता नहीं क्या बोला, मैं भूल गया। तो भाई अभी हम आ गए हैं बिंदु को छोड़ के, बिंदु रुक गया वहीं पे और बिंदु भी शायद घर जा रहा है, और मुझे अभी घर जाना है भाई। घर जाके अपना ब्लॉग भी एडिट करना, ब्लॉग आप लोगों को डेली ब्लॉग भी तो देने हैं भाई अपने मेन चैनल पे। और वहाँ पे बैठ के दोनों ने बकचोदी करी भाई, मस्त वाली छेत्री ने और उसने। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग मेन चैनल पे जाके देख सकते हो मेरे डेली ब्लॉग, वहाँ पे मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था और वो मैं सब कुछ ऐड करने वाला हूँ अपने मेन चैनल पे, तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और भाई अभी स्कूलों की छुट्टी भी हो गई है तो अभी जो है हम लोगों को रश दिखने वाला है बहुत ज्यादा। अभी तिरुमदारत में भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, लिटरली बहुत गर्मी लग रही है, हेलमेट के अंदर तो और भी ज्यादा गर्मी है। आप लोग देख पा रहे होंगे तिरुमदारत में कितनी सजावट हो रखी है इस टाइम पे, राखियों के टाइम पे राखियाँ बिक रही है हर दुकान में। ये देखो इस बंदे, अरे बड़ा ही फुद्दू निकला ये बंदा। Many hours later. तो गाइस अभी पहुंच गए छेत्री के घर पे, अभी बुलाते हैं उसे। ओ छेत्रे वो आ रहा है देखो, हंसते हुए दांत फाड़ते हुए। आंटी नमस्ते, मैं यहीं पे था सॉरी। हाँ भाई कैसा है तू? ठीक है। हेलो ब्रो, माल लग रहा है अभी तो तूने दूसरे कपड़े पहने थे, मैंने तो वही पहन रखी है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये तो ज्यादा हो गया। अबे बहन जो घर से रिकॉर्ड करके आया इतना सब कुछ में, साला सब बेकार हो गया यार। और चल बैठ, अभी मुझे दोबारा सब कुछ बोलना पड़ेगा भैंस की टांग। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या सीन था। अभी हम लोग जा रहे हैं रामनगर, वो किस काम से, अपने जो 10R वाले मिरर्स हैं वो चेंज करा के आने हैं, मुझे 10R वाले मिरर लगा के आने हैं। ये ओरिजिनल वाले लगा के जा रहा हूँ जो इसमें कंपनी से आए थे, तो जुबैद बोल रहा था ओरिजिनल वाले लेके आना, तो उसी से सेटलमेंट करना है जो भी है। पिछली बार जब मैं गया था रामनगर तो उसने मना कर दिया था क्योंकि सेटल नहीं हो रहे थे अच्छे से, तो अभी मैं इसी में लगा के जा रहा हूँ फिलहाल। एंड बाकी जो है छेत्री भी मेरे साथ जा रहा है, छेत्री अपना ब्लॉग शूट करेगा, तो अभी निकलते हैं। चल कर स्टार्ट कर अपना ब्लॉग, करना रामनगर के लिए। अबे भाई ये रोड कब ठीक होगी ये बता पहले, ये तो पूरा गड्ढा हो गया, यहाँ पे निकलेंगे कहाँ से? अरे हाँ यार निकलने की जगह तो है। गाइस देख रहे हो रोड कैसी कर दी पूरी खराब यार, पूरा ऑफ रोड बना दिया यहाँ पे। ओ शिट,
गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होगे मेरी मिक्की में जो फ्यूल है ना, फ्यूल भी लास्ट वाला सेल जो है वो ब्लिंक कर रहा है। फ्यूल अप भी करवा के आना है मुझे रामनगर नयारा फ्यूल पंप से, तो भाई वहाँ से फ्यूल अप भी करवा के आ जाएंगे। एंड हाँ भाई लोग, आप लोगों को बता दूं अभी सुबह जो मैटर हो रखा था वो मैटर जो है अब सॉल्व हो गया तरुण के साथ हमारा। बिन्नू ने आके सब कुछ संभाल लिया था अच्छे से, उसने समझा दिया अब तरुण को, तरुण जो है अब नहीं करने वाला हमारे साथ, ज्यादा पंगे नहीं लेने वाला। अगर ज्यादा पंगे लेगा तो भाई फिर तो अब क्या दिक्कत हो गई। अभी तो मैटर सॉल्व करके आ रखा है, अब क्या प्रॉब्लम है इसको। बड़ा चूतिया है ये। क्या हो गया तरुण? क्या क्या रंडी रोना तुम्हारा? क्या कब घंपू? अभी तो उससे मेरा क्या मैटर है घंपू? अब तो तुम दोनों का मैटर अलग है। देख सुन मेरी बात तरुण, सुन मेरी बात सुन ले पहले। अभी बिंदू ने सबको शॉर्ट आउट करवा दिया ना हमारा दोनों का। बोल रहा हूँ मैं, जब मैटर सॉल्व हो गया तो वो क्यों आ रहा है बकचोदी करने? तो तुम मुझसे क्यों बोल रहा है भाई? बोलूंगा ना, तेरे चक्कर में तो लड़ने आ रहे हो। अभी मेरे चक्कर में क्या, मेरे नाम लिया उसने? और क्या, तेरे चक्कर में नहीं आया मुझसे लड़ने? ऐसा तो तू भी दलीप के चक्कर में आ रहा है भाई। अब फिर से पंगे मत कर यार, तू बकचोदी कर रहा है। देख तरुण मेरी बात सुन ले, मैं बस इतने कह रहा हूँ उसे समझा ले, ठीक है? हाँ। तेरे चक्कर में लड़ना आया था, तेरे चक्कर में लड़ना था, उसे तू समझाएगा? तो तू उससे बात करना, उसे समझाना, तुझे चाहिए था कि मैटर सॉल्व हो गया तरुण से। अब तो मुझे क्या पता भाई, वो तुझे रोकेगा है? मुझे क्या पता भैया, तो समझा ले बहन, बकचोदी मत करो। देख भाई मेरे से बोलने की जरूरत नहीं है, देख मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल रहा तू मुझसे? क्यों बोल रहा तू उससे? बोलना चक्कर में, देख रहा छेत्री, उससे बोल देता ना हमारा मैटर सॉल्व हो गया तो बीच में मत पड़ा भाई। बोला क्या? बोला सुन, मैं वो जिससे समझाना चाहिए उसे, उसने हमसे तो दोस्त है, हमको तो बताया नहीं अभी तक, नहीं बताया तो वही तो बात है। तुम्हें भी तो बताना चाहिए था उसे कि तरुण से मैटर सॉल्व हो गया, मत करियो बकचोदी। तुझे मिला तू बता सकता था ना, तो तू खुद बोल देता ना। अबे भाई यार मैं क्या बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? बुला दो गंबू को फोन करके। लोग गंबू बुला रहा हूँ भयंकर। अबे तो तुम दोनों का मैटर है, मुझे क्यों रोक रहा भाई? हम दोनों का मैटर तो शॉर्ट आउट हो गया ना। तेरे चक्कर में लड़ने आ रहा हूँ, तुझसे नहीं बोलूंगा, किससे बोलूंगा मैं? देख तरुण यार, देख हम दोनों का मैटर शॉर्ट आउट कर, देख बिन्नू ने हम दोनों का खत्म कर दिया ना सब कुछ। तो मैं कह रहा हूँ तो वो क्यों रोक रहा मुझे, उसका क्या मतलब है रस्ते में रोकने का? अरे तो उससे बोलना जाके, मुझसे क्यों बोल रहा भाई? किससे बोलूंगा मैं? तूने देख वहाँ पे, हेलो कहाँ है घंपो? अबे क्या सीन है यार तुम लोगों का भयंकर? तरुण को तूने रोका भयंकर, वो मुझसे फिर पंगे लेने आ गया, जबकि बिन्नू ने सब कुछ मैटर शॉर्ट आउट करवा दिया। मेरे को दो तीन बार रोक रखा उसने, तो यहाँ पे आके मुझे फिर से रोक लिया इसने। मैंने तुझे नहीं रोका था भाई, पहले तेरा ड्रामा था तब रोका था, अब हो गया था मैटर सॉल्व, तूने रोका, ठीक है बकचोदी मत कर। सुन तू यहाँ पे आ, सुन ये कुंदन के बगल में आ जा फटाफट, आ गया जल्दी आ, इसका सीन समझ नहीं आ रहा यार मेरे को तो। अभी देख तेरा उससे मैटर है ना, उससे सॉल्व कर, मेरे को क्यों रोक रहा है तू? तो तेरे चक्कर में लड़ना आया मुझसे, आया ना तेरी, तू लेके आया ना उसे वहाँ पे, तुम मेरा दोस्त भी है, बोल सकता था ना उसे, फालतू में मतलब ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर ले। अबे यार छेत्री यार, सीधे आके हमको रोक रहे हैं आप? भाई से रोकूंगा, इसके चक्कर में नहीं आओ लड़ने। देख वहाँ पे हम लोग की क्या बात हुई थी, तो आती तो चढ़ गया आराम से, तो बोल सकता है भाई मेरा पाला गरम हो रखा था भयंकर, बोले मेरी बाइक की चाबी ले ली, बहन चाबी निकाल ली उसने, मेन रोड पर तमाशा करा, मैंने कहा उससे बाइक की चाबी दे दो मैं घर जा रहा हूँ, माने ही नहीं, तो हमको फोन कर देता, बोल देता। अबे यार तुम्हें क्या फोन कर, इसे समझाना चाहिए था ना कि तरुण से। अबे तो तुरंत कैसे बता देता, सुबह ही तो मैटर सॉल्व हो रखा है, सबको घर थोड़ी आएंगे बता दे, समझा दियो उसे, ठीक है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। रुक जा अभी घंपू आ रहा है, उससे बात कर ले, रुक जा यहीं पे, रुक जा मैं कह रहा हूँ घंपू से बात करके जाना, मैटर अभी शॉर्ट आउट कर, सारा मैटर अभी शॉर्ट आउट कर। अरे कर लेना, मना कर रहा हूँ। हाँ रुक जा अभी आ रहा है घंपू साइड में, देख सुबह यही बात हुई थी भयंकर, अकेले में देख क्या फिर रोकेगा, वही वाली बात कर यार, देख ले करण मैंने अभी भी, तो अभी रोका नहीं तूने मेरे को, समझा रहा हूँ देख, वही वाली बात रोका, हाँ मैं सुबह मैंने रोका पर चीज समझाने के लिए रोका, अपने उसको समझा, तो मैं उसे समझा लूंगा भाई। तू उससे पंगे लेके आ रहा है, फिर मुझसे चढ़ रहा है भयंकर, कह रहा है क्या उसे समझा, उसे समझा, मैं क्यों समझाऊं भाई उसे, क्या हो गया, मैं क्यों समझाऊं उसे, तेरा दोस्त है तू समझाएगा उसे? हाँ यार तो क्या है,